मुझे जो है आप लोगों के साथ एक ख्वाब शेयर करना है। अच्छा ख्वाब है, थोड़ा सा एडवेंचरस टाइप है। तो ये ख्वाब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लें, सुनने में क्या है। तो हम लोग जो है एक फ्लैट की लिफ्ट में, फ्लैट में 10th फ्लोर। तो हम लोग लिफ्ट में, दो अननोन पर्सन साथ में थे, और ऊपर जा रहे, पता नहीं है, जा रहे हैं। 10th फ्लोर है, लेकिन हम पहुँचे 17th फ्लोर में। तो लेवल देख रहे हो, आपका लेवल भी हाई है, लिफ्ट भी बहुत हाई है, और ख्वाब का लेवल भी बहुत हाई है। तो हम लोग जब 17th फ्लोर पे पहुँचे, बाहर निकले, और जब नीचे देखा ना, तो समझ सकते हो ना। फिर मुझे जो है हाइट से फोबिया है। मैंने जब नीचे देखा ना, तो बस ये लिफ्ट से ही नीचे जाना था, सीढ़ियों से नहीं जा सकते, वरना आधे रास्ते में बॉडी मिलेगी नीचे देख देख के। तो लिफ्ट से जब नीचे जाने लगे, 16th पे पहुँचे ना 17th से, तो लिफ्ट बंद, लिफ्ट नहीं बंद, सिस्टम बंद, लिफ्ट जा रही है नीचे, तेज़ जा रही है, बहुत तेज़ जा रही है, और अपनी रूप पर जा रही है, लेवल ऊपर, लिफ्ट नीचे। तो जब हम 6th फ्लोर पे पहुँचे ना, 6th फ्लोर पे, तो आवाज़ आई, उठो उठो उठो, तुम्हें जाना है। बस फीलिंग रिलैक्स, जिंदा, बच गया। ये मोमेंट भी बहुत अलग होती है, छोटी छोटी तो खुशी है अपनी, और क्या है। तो मैं घर वालों को बोल के सोया था कि मुझे सुबह में जल्दी उठा दे। यूजुअली मैं जल्दी उठ जाता हूँ जब मैच वैच वगैरह खेलने के लिए जाना होता है। अगर जब यूनिवर्सिटी वगैरह या कहीं जाना होता है काम के लिए, तो नहीं उठता। तो फिर ये देख रहे हो, ये नहीं होता, यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ, क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ, देखें। सामान रखो, सामान समेत नहीं कहा है, ऐसे ही कहा है, तुमने समेट लिया सारा सामान बैग में, पहन ली जैकेट भाई की, चश्मा लगा लिया मुर्तुजा का, उतारो सब और ऐसे ही जाओ। देख लिया, तो पहले यूनिवर्सिटी चलते हैं, फिर उसके बाद एनएस, फिर लेट्स गो। जी मुश्तबा ने तो मेरा तारुफ नहीं करवाया होगा आप लोगों को, तो मैं आपको अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम हाफिज़ दानियाल अहमद है। तो भाई मैंने मुश्तबा को इंटरव्यू के लिए बुलाया था अपने ऑफिस में, ठीक है। अब इसको तो मैंने बहुत कुछ समझा के बुलाया था, अब इंटरव्यू के लिए ये आए हैं, और आते साथ ही ये डायरेक्ट बिना रिसेप्शन पर बात किए ये सीधा चले गए अंदर, मतलब हमारे बॉस के पास। अब इनको जब मैंने भेजा है तो इनको आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है मतलब इतना देर इंटरव्यू, तो मुझे नहीं लगता कि इतना देर होना चाहिए, आसार कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं अब ये बाहर आता है तो क्या होता है। ये थे हमारे उर्दू के प्रोफेसर, जो वो वाले प्रोफेसर होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजों वाले नहीं होते, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह लड़कों की बजा के रखते हैं और लड़कियों से मोहब्बत में बरसर होते हैं। जैसे कि मिसाल ले लो आप गज़लों की, गज़लों में अगर एक शेर ले लो, ले सांस की आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, अफाक के इस काले के शीशा करेगा, तो ये अगर लड़कियों को सुना ना, तो लड़कियों को कैसे सुनाएंगे, मुँह के करीब आके धड़कन फीलिंग्स के साथ खेल के, मतलब
ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है वो मकाम अफाकी इस कारे। बस इसी में बंदा शर्मा के मजे। और अगर लड़कों को सुना ना, लड़कों को बालों से पकड़ के हिला हिला के बोलते हैं ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, तो ये वाले थे ना, तो तुम समझ लो ना ये वो वाले सर। स्टैंड वन आ गया भाई, कहाँ अंदर चले आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, मम्मी को शिकायत करूँगा मैं तुम लोगों की, हर किसी को अंदर बुला लेती हैं भाई। क्या आराम से बुला। ये मेरा भाई है, बहुत प्यारा दोस्त है ये। और यार आई लव यू यार, कहाँ बैठते हैं मैं इससे बात ना, हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ये पोता तो मक्खन नहीं लग रहा है। तुम बहुत अच्छे हो बस। और कैसे इस टाइम आ गए, तुम ये बताओ इंटरव्यू का क्या हुआ। इंटरव्यू का इंटरव्यू बाद में हाँ, ये सब चीज़ें बाद में। थक गए यार, मैं सुबह से बकरी कुर्बानी का बकरा बना हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, इनको भी निपटाते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज़।